कोतवाली पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर लोगों की गाड़ी कमाई को ठिकाने लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दो लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस को उनके कब्जे से वैगन और कार सहित 60,000 की नकदी, 12 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। वहीं सहायक पुलिस अधीक्षक व क्षेत्र अधिकारी मंजू टीसी ने पत्रकारों के समक्ष एटीएम कार्ड बदलकर लोगों की गाड़ी कमाई को ठिकाने लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए बताया कि युवक पैसे निकालते वक्त धोखे से उसका एटीएम बदल बाद में उस एटीएम से पैसे निकाल लेते थे। शहर में अपराधियों द्वारा एटीएम में छेड़छाड़ और लोगों से एटीएम बदलकर हो रही घटनाओं पर हरकत में आई पुलिस कप्तान ने टीम गठित कर आवश्यक निर्देश दिए थे। गिरोह को दबोचने के लिए बुने जाल में आखिरकार आज पुलिस को सफलता मिल ही गई। वाहनों की सघन चेकिंग में वैगनार कार को सुबह पुलिस ने रुकवाया तो जांच में उससे 12 एटीएम कार्ड सहित 60,000 की नकदी बरामद हुई है। क्राइम स्टोरी के लिए ऋषिकेश से अमित सूरी की रिपोर्ट। तो हम इसका और तस्दीक ये कर रहे हैं कि भाई और कहां कहां ये वारदात करते थे, दूसरे राज्यों में भी या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी कर रहे होंगे, तो उसका भी तस्दीक करेंगे हम। तो ये क्रिमिनल हिस्ट्री भी वेरीफाई कर रहे हैं। ऐसे गैंग्स काफी ऑपरेट करते हैं देहरादून में भी, तो इसका हम वेरीफाई कराएंगे और गैंगस्टर की कार्रवाई इन पे की जाएगी। 1500 रुपए मेरी नाम, मेरी तरफ से नाम है। तो ये डालते हैं और प्रिंट मीडिया से मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, एक वो बना लेना बॉक्स टाइप बनवा के ये दे देना कि भाई मतलब एक तो वारदात के बारे में छापा गया, बट वारदात इज नॉट बिग थिंग।